शिवाजी वीडियो देख आन ले जितना नजदीक आन ले शिवाजी अलामा शिवाजी लाइडर लाइडर मदिला सलमान महाराज गरीब का पूजा कर दिया तो सलमान गाली दे रहे कुत्ते लोग बना रहे आज गरीब के वजह से तो सब जीत रहे ले मंत्री बन रहे ले सब कुछ बन रहे ले आज गरीब के वजह से सब जीत रहे ले आज गरीब नहीं देगा तो तुम्हारा क्या हाल हमारा जैसा हालत होगी गरीब के वजह से तुम लोग जीत रहे ले बर्तन भांडी किसना गरीब करता गरीब को गालियाँ दी जाएंगी तो गरीब की सुनवाई नहीं तो गरीब क्या करेंगे गरीब को हमको मदद करो हमको आसरा दो सहारा दो गरीब है तो जब भी तो सब काम वाम करते हैं आप गरीब नहीं रहेगा तो तुम्हारा कौन काम करेगा एक गिलास पानी भी नहीं उठा सकेगा तुम लोग काम नहीं कर सकेंगे आज गरीब के वजह से गरीब के पास सब काम कराता है वो कराता है आज गरीब से तुम लोग जीत रहे गरीब को भी सहारा दो गरीबी उनके घर में काम करते गरीबी काम करते और गरीबी मदद करते और गरीब के पास ही आता है मदद मांगने के लिए गरीब से तो बढ़ते हो लोग पैसे वाले से नहीं बढ़ते गरीब से बढ़ते हो लोग पूरी करो गरीब आज नहीं तो दुनिया में
लिए इंसाफ करो। हटो 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 बिना मुझे कोई इख्तियार नहीं इसके बारे में बात करने। लेकिन आप कोर्ट रूम में थे बाबा, क्या सलमान खान को नेशनल कोर्ट में आज एक नॉर्मल क्वेश्चन सरेंडर करना पड़ेगा? आज सलमान खान की अपील जो है वो दाखिल कर ली गई, क्योंकि लिबर्टी इज़ अ राइट, अपील उनकी दाखिल कर ली गई है। लेकिन उनका जो 389 में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है वो हो गया है, उनको अब सेशंस कोर्ट तुरंत जाना पड़ेगा, उनको नया फ्रेश बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा, क्योंकि पुराना बेल बॉन्ड कैंसिल हो जाता है जब वो कॉन्विक्ट हो, जब दोषी करार दिए गए और उसके बाद उनको बेल मिल गई है। और जब तक अपील चलेगी तब तक वो बेल में रहेंगे। और साथ में जज ने ये भी कहा कि 304 कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज क्यों लगाया जा रहा है, वाई नॉट 304 डेथ बाई नेग्लिजेंस, जिसमें सज़ा कम है। तो अब जब केस आएगा, और उन्होंने कहा कि चूंकि अगर लोगों को एंग्जाइटी है तो हम इसकी सुनवाई बहुत शीघ्र करेंगे, और कोर्ट के खुलते ही इसकी डेट आएगी, और डेट आ गई है 15 जून तक सुनवाई और 15 जुलाई तक फैसला। तो इसलिए कोर्ट ने 15 जून तक सुनवाई और उसके बाद फैसला 15 जुलाई को दे दिया, बहुत सही है। लेकिन अगर जो लूपहोल्स प्रोसिक्यूशन ने छोड़े हैं, जो मुंबई पुलिस ने सही ढंग से नहीं किया है, जो कमाल खान जो आंखों देखी विटनेस थे उनका डिपोजिशन ड्रॉप किया है, वो सलमान को बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए हम अपनी पर्ची की एप्लीकेशन लाएंगे कोर्ट में कि कमाल खान को लाया जाए, कमाल खान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जाए, क्योंकि वही सच बात आ सकती है कि सलमान गाड़ी चला रहे थे,
या अशोक सिंह चला रहे थे। मैम आज ही सलमान को यहाँ पे सेशन कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा या फिर कल हाजिर होना? नहीं नहीं, सलमान खान अभी कोर्ट बंद होने से पहले सेशन कोर्ट में आ जाएंगे, क्योंकि उनको सलमान खान को सिर्फ 48 घंटे की इंटरिम बेल दी गई थी, एक्सटेंशन थोड़ा, क्योंकि अब वो कॉन्विक्ट है, वो दोषी है, तो उनकी सेंटेंस का सस्पेंशन होगी, उनकी सज़ा का निलंबन होगा। अब वो बेल जो पुरानी बेल थी वो ख़त्म हो जाती है, वो बेल बॉन्ड का जो था, तो इसलिए अब उन्हें फ्रेश बेल बॉन्ड जस्टिस देशपांडे के सामने लेना पड़ेगा अगर वो बाहर अपनी लिबर्टी चाहते हैं। मैम आप बाहर भी नहीं जा सकते, आउट ऑफ इंडिया भी नहीं जा सकते, यानी कि उसके पासपोर्ट के बारे में भी कुछ कहा जा रहा है? नहीं, अभी ये सब बातें नहीं हुई है, आप जो है उनको मिल गया है, बाकी उनके वकील जो है इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं कि अगर कोई स्पेशल परमिशन चाहिए तो वो कोर्ट के पास इंडिविजुअल बेसिस पे आ सकता है। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है कि तीन इशूज़ उनके डिफेंस ने उठाए हैं कि सलमान गाड़ी नहीं चला रहे थे, रविंद्र पाटिल ने अंडर प्रेशर स्टेटमेंट दिया है, और चार लोग गाड़ी में थे न कि तीन, और जो पुलिस ने उनका जो अल्कोहल का जो टेस्ट किया था वो फॉल्टी था। तो इन चार पॉइंट्स पे ही ये मुकदमा आगे चलेगा।